हल्द्वानी बन फूलपुरा हिंसा में बिहार के प्रकाश सिंह नाम के युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया था। अब नैनीताल पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया प्रकाश सिंह की मौत हल्द्वानी हिंसा में नहीं हुई है। प्रकाश की मौत पुलिस कांस्टेबल की पत्नी से अवैध संबंधों के चलते की गई। हत्या के बाद प्रकाश के शव को फेंका गया। नैनीताल SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले को खुलासा करते हुए बताया कि प्रकाश का शव हिंसा प्रभावित इलाके में मिला था। उस समय प्रकाश की मौत को हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा था। उन्होंने बताया प्रकाश की मौत दंगे में नहीं हुई थी बल्कि उसकी हत्या की गई थी। हत्या में उत्तराखंड पुलिस का जवान समेत अन्य 3 लोग शामिल थे। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है जबकि पुलिस जवान की पत्नी फरार है। पुलिस ने अवैध पिस्तौल को बरामद कर लिया है। इसके साथ ही SSP ने बताया कि बन फूलपुरा हिंसा के 5 और दंगाइयों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस 42 दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है जिनसे दर्जनों अवैध हथियार बरामद हुए हैं। हल्द्वानी दंगों में मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोइत के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बनफूलपुरा में जो अब्दर हुआ था उसमें एक युवक की डेड बॉडी मिली थी प्रकाश नाम की, जिसको अगले दिन हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम के बाद में और बाकी चीज़ें प्राप्त होने के बाद में पता लगा कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। इस मामले में हमारे द्वारा जब युवक की शिनाख्त हो गई और शिनाख्त होने के बाद में जब उसका एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि ये युवक जो है ये बिहार का रहने वाला है और ये हल्द्वानी में उस दिन किसी से मिलने आया था। बाकी ज़्यादा सर्लांस करने पर ये पता लगा कि ये सितारगंज में किसी व्यक्ति के संपर्क में था और उस व्यक्ति ने इसको हल्द्वानी बुलाया। हल्द्वानी बुलाने के बाद में वहाँ पर इसके साथ में 2 व्यक्ति और थे और इन लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेके झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद में ये जो व्यक्ति है इसकी गोलापार में ले जाकर हत्या कर दी गई। इस सारे घटनाक्रम में एक हत्या करने वाला जो अभियुक्त है उनमें से एक जो अभियुक्त है वो पुलिस का सिपाही है और जो ये अभियुक्त मृतक है इसका और जो पुलिस के सिपाही है जो अभियुक्त है उसकी पत्नी के संबंध होने के कारण और मृतक द्वारा जो सिपाही है उसकी पत्नी को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में वो उससे नाराज था। उसने अपनी बीवी से फ़ोन करवाकर उसको यहाँ बुलवाया, मिले, उसको किसी बहाने से अपने साथ में तैयार किए और गोलापार में ले जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी।